हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अदीबा। सो आज की वीडियो है हमारी अचारी चिकन। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना अचारी चिकन बनाना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पतीली में लेंगे हम थोड़ा सा तेल। यहाँ हमने 3 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ करा है। उसके अंदर डालेंगे 1 बिग साइज़ की अनियन कटी हुई। डालने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे अनियन को, जब तक इसमें अच्छा से कलर नहीं आ जाता हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें कलर आ गया है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना चिकन। हमने यहाँ पे 60 ग्राम चिकन लिया है। अब इसे वन बाय वन करके हम इसमें पतीली में अपना चिकन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद चिकन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी लगातार चलाते हुए धुलाई करेंगे, जिससे कि जो चिकन है नीचे नहीं लगेगा। अगर आपका नॉनस्टिक पैन है तब तो ठीक है, बट अगर आपका नॉनस्टिक पैन नहीं है तब आप इस तरीके से लगातार चलाते हुए भुनाई करें। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के फिर से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल है वो निकल जाए और अच्छे से जो हमारा चिकन है वो भुन जाए। तो लगातार हम चलाते हुए भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 स्मॉल साइज़ के चॉप टमाटो। चॉप टमाटो ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसे डाल कर अच्छे से भून लेंगे। नमक टमाटर की बार भी डालिएगा, जिससे कि जो टमाटर हैं हमारे वो जल्दी गल जाएंगे। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। अब हमने लिया है यहाँ पे अल्लाह बंदा का अचार गोश मसाला। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है बनाने में। अचार गोश जो हम बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट एंड क्विक बन जाता है। तो आप इसकी जगह कोई भी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं। हमने यहाँ अल्लाह बंदा का अचार गोश मसाला लिया है। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये 1 kg का पैकेट आता है, तो इसमें से हाफ हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा 1 kg नहीं तो कम है, तो हम इसमें हाफ डाल देंगे। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, देन इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर जो बचा होगा हम उसे भी डाल देंगे। एकदम नहीं डालना वरना गुठलियाँ बन जाएंगी, एकदम मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भुन गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि जो हमारा मसाला है वो जलेगा नहीं। पानी डाल देंगे थोड़ा सा, जिससे कि मसाला भी नहीं जलेगा। लो फ्लेम पर अब हम इसे ढककर पका लेंगे 5 मिनट। 5 मिनट अब तक हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं जो पानी है वो गायब हो गया है। एंड अब हमने लिया है यहाँ पर दही। दही को हमने बीट कर लिया है। यहाँ हमने लिए 4 चम्मच दही और उसमें हम दही डाल देंगे जब मसाला भून जाएगा इसका। तो हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ हम हाई फ्लेम करेंगे और पानी को सुखा लेंगे। अब हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें। हम थोड़ा थोड़ा पॉप करके पानी डाल रहे हैं। पहले पानी डाला, देन भुनाई करी, फिर थोड़ा पानी डाला, फिर भुनाई करी। तो हम इस तरीके के प्रोसेस से कर रहे हैं, जिससे कि टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमने जो फ्लेम है अपनी वो बिल्कुल लो कर दी है, मीडियम टू लो कर दी है। अब इसे ढक कर हम पकने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ढक के पकने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है। ऊपर से हमने चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। तो एंड अब ये रेडी है बिल्कुल बनकर हमारा अचारी चिकन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आई होप लाइक दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो डू लाइक डू शेयर डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।